Good morning, friends. I welcome you all in CA Intercourse and Management Accounting classes. And today we are going to start our new chapter, that is Direct Labor Cost. आपकी जो study mat है उसमें इस chapter का नाम है बच्चे Employee Cost and Direct Expenses. One of the most important chapter बच्चे. Questions आपको इस chapter में से 100% देखने को मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि institute इस chapter को ignore करेगा बच्चे. इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज भी रिवाइज करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे. याद करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ बच्चे, क्योंकि उन फॉर्मूलो जो फॉर्मूलाज इस चैप्टर में दिए हुए हैं बच्चे, उनका कोई लॉजिक नहीं है. वो जस्ट बताए गए हैं किसी पर्सन की वो सोच है कि इस तरह से हमें करना चाहिए. तो वो फॉर्मूला बच्चे उसका कोई लॉजिक नहीं है, हमें याद ही करने पड़ेंगे. लेकिन बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, हम टिप्स पर याद कर लेंगे. ठीक है, कुछ फॉर्मूला जैसे हैं बच्चे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिवली एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे. और कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जो आज तक एग्जाम में पूछे ही नहीं गए, लेकिन हमें तो याद करने पड़ेंगे, वो भी हमें उनके ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा. अदरवाइज तो क्या पता इंस्टीट्यूट का. बच्चे एक बात बताता हूँ पुरानी, जब मैं PCC में होता था, जब मैं उस टाइम PCC होती थी जिस टाइम मैंने CA की थी, तो बच्चे एक चैप्टर था अकाउंटिंग में इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, उसका क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, बहुत रेयर. ठीक है, और भी मैंने पीछे के एग्जाम्स देखे कि ठीक है रेयर आता है बच्चे, तो मैंने उस चैप्टर को छोड़ दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे शेड्यूल्स वगैरह होते थे, याद करने वाली चीज़ें होती थी, तो मैंने इग्नोर कर दिया बच्चे. बिलीव में उस अटेम्प्ट में मेरे पेपर में 25 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से काम आया हुआ था. तो किसी भी चैप्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते. आप अगर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वैसे तो मुझे पता है इसको इग्नोर करने वाला चैप्टर ही नहीं है ये, अगर फिर भी आप इग्नोर करने की सोचते हो तो क्या पता 10 मार्क्स का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पुट कर दे. थियोरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चे इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन मटेरियल चैप्टर आपका थियोरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसकी थ्योरी आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना. चैप्टर 3 शुरू करते हैं बच्चे. क्या है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्या है ये चीज़, मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं. चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था बच्चे हमने कि मटेरियल कॉस्ट क्या है. हमारा चैप्टर फर्स्ट पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चे, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि किस तरह से हम अपने मटेरियल कॉस्ट को मिनिमाइज करें और किस तरह से हम क्या कंट्रोल प्रोसीजर लगाएं कि हमारी जो मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो ऑलवेज बनी रहे, मतलब हम कभी भी स्टॉक आउट ना हो. तो हमने 2 ऑब्जेक्टिव्स को लेके काम शुरू किया था मटेरियल कॉस्ट में. इसी तरह से बच्चे हम बात करेंगे कि किसकी, लेबर कॉस्ट की. लेबर कॉस्ट में क्या होता है बच्चे, लेबर कॉस्ट में होता है कि आप ये देखेंगे कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ जो लेबर की कॉस्ट है वो मिनिमम रहे. वो मिनिमम रहेगी तभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में कम्पीट कर पाएगा. 3 कॉस्ट मेन होती है बच्चे, 3 कॉस्ट हमारी कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें 3 कॉस्ट मेन होती है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और ओवरहेड्स. तो ये 3 ही कॉस्ट आपको अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से इसको समझना है, सो दैट कि आप जब प्रोसेस कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग इस तरह की कुछ और जो स्पेशलाइज टॉपिक्स हैं जब उनको पढ़ें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी. लेबर कॉस्ट बच्चे आपने आई थिंक मटेरियल कॉस्ट बहुत अच्छे से पढ़ी है, फिर भी उसको और भी अच्छे से पढ़ते रहिएगा. लेबर कॉस्ट है, अगर आपको इनकी क्लैरिटी है ना बच्चे, तो प्रोसेस कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, जो और चैप्टर है उनको आपको करते हुए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी. एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अब क्योंकि चैप्टर शुरू कर रहा हूँ बच्चे, थोड़ा सा इंट्रो करवा देता हूँ उस चैप्टर से आपका. एग्जाम में बच्चे कई बार तो क्या होता है, लेबर कॉस्ट का ही क्वेश्चन आ जाता है आपको डायरेक्ट. ठीक है, कोई आपको प्लान दिया होता है कि बताइए इस प्लान के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय की कितनी सैलरी या कितनी वेजेस बनेगी. लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे, ये जो लेबर कॉस्ट का क्वेश्चन है ना, ये किसी और चैप्टर के साथ मर्ज करके दे दिया जाता है, तो उस टाइम भी आपको इस चैप्टर की नॉलेज होना जरूरी है. ठीक है, अब जैसे मान लो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, वेरिएंस एनालिसिस है, वहाँ पर भी कई बार चैप्टर जो है आपका लेबर कॉस्ट है इसके पॉइंट्स देखने को मिले हैं. हम इस तरह के क्वेश्चन भी अपनी क्लास में डील करेंगे. तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं, मैंने आपको 5 मिनट पकाया है, अब हम इस चैप्टर को पकाते हैं. देखिए बच्चे, तो सबसे पहले बच्चे हम ऑलवेज क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं. चैप्टर का ओवरव्यू है, चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा पढ़ने का. ओवरव्यू मैंने आपको, ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है बच्चे, लेबर कॉस्ट पर यूनिट
आपको कम करनी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट किस तरह से कंट्रोल होगी, एम्प्लॉय कॉस्ट कहते किसे हैं, अटेंडेंस है, पेरोल प्रोसीजर है, एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर क्या है, एफिशिएंसी रेटिंग प्रोसीजर्स क्या हैं, कुछ बोनस प्लान्स होते हैं वो क्या हैं, किस तरह से किस किस मतलब जो हमारे बड़े बड़े बच्चे वो रहे हैं क्या कहते हैं उन्हें, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं और जिन्होंने अपने बिजनेस में बहुत सी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, उसके रिजल्ट्स चेक किए, ठीक है। आप जैसे पहले पढ़ते थे फ्रेडरिक टेलर था एक व्यक्ति, उसने क्या किया था बच्चे, उसने बिजनेस में अलग अलग तरह की पॉलिसीज अपना के देखी और उन पॉलिसीज का रिजल्ट चेक किया कि किस पॉलिसी का हमारे बिजनेस पे हमारे एम्प्लॉयज पर क्या रिजल्ट रहता है, और उसने कुछ हमें प्रिंसिपल्स दिए। तो इस तरह से बच्चे बहुत सारे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें अलग अलग तरीके से बताया कि आप एम्प्लॉयज को इस तरह से मोटिवेट कर सकते हो। तो बच्चे जब आप अपनी कंपनी खोलोगे सीए बनकर, तब आपको भी इन चीज़ों की अगर नॉलेज होगी तो आप एक बेटर वे में अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हो। उन्हें मतलब आपने सुना होगा बच्चे स्ट्राइक हो जाती है कंपनीज में, कंपनी में स्ट्राइक क्यों हो जाती है, क्या उनको सैलरी नहीं मिलती, क्या उनको वेजेस नहीं मिलती, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको मिलती है बच्चे, फिर भी स्ट्राइक हो जाती है। रीजन है कि मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉयज हैं जो सैलरीड वर्कर हैं उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। तो बच्चे उनके बीच में इस तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको प्रॉपर सैलरी मिले, उनको प्रॉपर बोनस मिले, और आपका जो एम्प्लॉयर है उसकी भी पर यूनिट कॉस्ट मिनिमम रहे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ बच्चे, आप लोग अपनी ट्रेनिंग करते हो अपने बॉस के ऑफिस में, आपसे एक दिन में कितने घंटे काम करवाया जा सकता है, आई थिंक मैक्सिमम 8 आवर्स का होगा शायद ना, 8 आवर्स, हम तो 8 आवर्स काम करते थे, ठीक है, 8 आवर्स आपसे काम करवाया जा सकता है ऑफिस में। लेकिन आपका बॉस कहे कि नहीं आपको सुबह 8 बजे आना है, रात को 10 बजे तक काम करना है, ठीक है, और ज़रूरत पड़ी तो यहीं सो जाना है, और आपका स्टाइफंड बच्चे स्टाइफंड कहता है जी वही 1500 रुपये दूंगा, तो बताओ क्या आप आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में एक हेल्थी रिलेशन रहेगा, नहीं। आप मतलब बच्चे आप कोशिश करोगे कि आपके एम्प्लॉयर को कोई ना कोई नुकसान करोगे आप, ठीक है। तो आपको कब आप कब सेटिस्फाई होगे, आपका एम्प्लॉयर कहता है देखो देखो एबीसी आप सुबह 8 बजे आओ रात के 10 बजे तक रुको क्योंकि बच्चे काम ज़्यादा है, लेकिन आपका स्टाइफंड 1500 रुपये होता था, मैं आपको 1500 नहीं मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा। अब मुझे बताओ बच्चे क्या आपको कोई परेशानी है, नहीं, एम्प्लॉयर का भी काम होगा आपको भी एक अच्छा स्टाइफंड मिल रहा है। तो बच्चे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए मॉनेटरी कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो मॉनेटरी कंसिडरेशन कैसे दिया जाए, अब क्या मैं एक सिंपल सी बात बताऊँ आपको। अब मान लो एक आर्टिकल है, वो चलो ऑफिस में 10 बजे रुक तो गया लेकिन उसने कोई काम नहीं किया, वो क्या कर रहा है, वो चाय पी रहा है ओनली, और वो अपने मोबाइल पे भी चला रहा है, तो क्या बच्चे उस आपके जो आर्टिकल है क्या उसको 10,000 पर मंथ का स्टाइफंड मिलना चाहिए, नहीं उसको तो नहीं मिलना चाहिए। तो ये चीज़ कैसे पता चलेगी, तो आपके ऑफिस में एक बंदा भी होता है बच्चे, उसको सुपरवाइजर बोलते हैं, वो सुपरवाइज चेक करता है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है, आपके आपको काम भी अलॉट होता है, किसने कितनी रिटर्न फाइल की है, किसने कितनी ऑडिट्स पे काम किया है, किसने कितने फॉर्म फिल किए हैं, ये सब चीज़ें होती है ना। तो वो एक आपका डिपार्टमेंट भी होता है, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, सुपरवाइजर बोल देते हैं उसको, छोटे ऑफिस में सुपरवाइजर भी होता है, हर एक ऑफिस में होता है बच्चा ऐसा बंदा, वो चेक करता है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है, और वो आपको एक प्यार से कहता रहता है कि बच्चे काम कर ले, इस तरह से बोलते रहता है ना आपको। तो बच्चे अब मुझे एक बताओ, एक है एम्प्लॉई हार्ड वर्किंग आपकी तरह जो कि सुबह 8 से लेकर रात को 10 बजे तक 14 आवर्स काम करके दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयर को, और एक है एम्प्लॉई हरामखोर, वो क्या कर रहा है बच्चे, वो सिर्फ चाय पी रहे हैं, तो क्या उनका सेम स्टाइफंड होना चाहिए, नहीं ना। तो बच्चे हम इस चीज़ की भी बात करेंगे क्योंकि ऐसे हरामखोर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कैसे पेमेंट करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस चैप्टर में हम बच्चे डील करेंगे, और एट द एंड ऑफ चैप्टर आप देखोगे कि हाँ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हमने इस चैप्टर से सीखने को मिली, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है बच्चे एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है। बच्चे मैं थ्योरी ओनली आपको स्टडी मैट से ही करवाऊँगा, या तो मैं स्टडी मैट से कम्प्लीट 100% थ्योरी करवाऊँगा, सेकेंड हमारा थ्योरी का सोर्स रहेगा पास्ट ईयर क्वेश्चंस ओनली, जो आरटीपी हैं और सजेस्टेड आंसर्स हैं, इनसे बार मैं थ्योरी के लिए नहीं जाऊंगा बच्चे, ठीक है, क्योंकि थ्योरी एक तो पढ़ना अपने आप में थोड़ी सी बोरियत का काम होता है, और आई डोंट थिंक कि आपको स्टडी मैट्स और जो आपके आरटीपी हैं और सजेस्टेड आंसर है उनसे बाहर कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर भी बच्चे आपको लगता है कि नहीं इससे बाहर हमें पढ़ना है, तो बच्चे वो आपको करना पड़ेगा सेल्फ। थ्योरी मैट स्टडी मैट आरटीपी और एसए से बाहर नहीं करवाऊंगा।
क्वेश्चंस बच्चे मुझे जिस भी सोर्स से मिल गए ना, चाहे किसी व्यक्ति ने अपना पर्सनल क्वेश्चन बना के डाल रखा है, मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, मैं ला के आपको करवाऊंगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मैं आपको 1% कमी नहीं रहने दूंगा। मैं जितने क्वेश्चन आपको बाय द एंड ऑफ सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगा, मैं गारंटी लेता हूँ बच्चे कि वो आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशियंट रहेंगे। आपको किसी और सोर्स पर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास कोई सोर्स है, अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैंने प्रोवाइड करे उनसे अलग भी हैं, तो बच्चे आप कीजिए। अगर आप मेरे साथ भी शेयर करोगे तो मैं क्लास में, अगर मुझे लगा वाकई में अच्छा क्वेश्चन है तो मैं क्लास में भी उसको डिस्कस करूंगा। वरना आप अपने टेस्ट में देख लेना किस तरह के प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, डिफिकल्ट नहीं, प्यारे क्वेश्चन। तो बच्चे सबसे पहली बात, एम्प्लॉय कॉस्ट होती क्या है? आप अपने एम्प्लॉयज को जो भी पेमेंट करते हो ना, वो एम्प्लॉय कॉस्ट है, ठीक है? कोई भी चीज कॉम्प्लिकेट करने से पहले उसको जर्नल वे में समझो यार, बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। आप आर्टिकल हो, क्या आपको सैलरी नहीं मिलती? क्या आप एम्प्लॉय नहीं हो? हो, आपको सैलरी मिलती है? मिलती है सर। तो आप भी तो अपने ऊपर अप्लाई करके देख सकते हो कि एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है, हमारे एम्प्लॉयर को हमारे ऊपर क्या क्या खर्चा करना पड़ रहा है, वो सारी एम्प्लॉय कॉस्ट है। तो मैं कहता हूँ बच्चे आपको बेसिक सैलरी मिलती है? हाँ जी मिलती है। अब स्टाइफंड में वो डियरनेस अलाउंस वगैरह वो नहीं होता, तो आपको बेसिक सैलरी मिलती है। प्लस बच्चे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, लेकिन ट्रैवलिंग अलाउंस तो खर्चों का रिइंबर्समेंट होता है। ये बात हो रही है कि आप ट्रैवलिंग अलाउंस को 2-3 मल्टीप्लाई करके लेते हो अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है? वो जो आपको 1500 रुपये स्टाइफंड होता है उसको आप 5000 इसी तरह से कर लेते हो, ठीक है बच्चे? तो एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब बच्चे आपका एम्प्लॉयर जो भी आपको पेमेंट कर रहा है वो एम्प्लॉय कॉस्ट है, ठीक है? अब उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे अभी अपन डील करेंगे उसको। एक फैक्ट्री में क्या क्या मिल सकता है, फैक्ट्री में सोचो क्या क्या मिल सकता है। बेसिक सैलरी मिल सकती है? हाँ जी मिल सकती है। डियरनेस अलाउंस मिल सकता है? हाँ जी मिल सकता है। हाउस रेंट अलाउंस मिल सकता है? हाँ जी मिल सकता है। क्या मैं अलाउंस की लिस्ट पढ़ूं बच्चे? अभी अगर मैं अलाउंस की लिस्ट पढ़ने लग जाऊँ ना बच्चे, आज की क्लास तो अलाउंस की लिस्ट पढ़ने में मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अलाउंसेज का कोई नाम नहीं है बच्चे, सारे अलाउंसेज, ठीक है, ऑल अलाउंसेज। उसके बाद बच्चे, उसके बाद क्या होता है, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन भी करता है एम्प्लॉयर, जैसे पीएफ में, ईएसआई में। अब ये क्या होता है, अभी 5 मिनट बाद बताऊंगा बच्चे ईएसआई ईपीएफ का क्या कंसेप्ट है। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा, आप डेफिनेटली आज उसकी क्लास में उसको सीख जाओगे। तो बच्चे एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब आपका एम्प्लॉयर आपको जो भी पेमेंट कर रहा है उसे बोल देंगे एम्प्लॉय कॉस्ट। अब आज का चैप्टर है बच्चे हमारा डायरेक्ट लेबर के ऊपर। अब ये डायरेक्ट लेबर होती क्या, पहले तो मुझे ये बता दो डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या है, और ये डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट कौन होता है? देखो बच्चे कोई भी फैक्ट्री हो, हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री की, क्योंकि हमें क्या निकालना है बच्चे, प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी है हमने, ठीक है? हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव, एक बार लेबर को नहीं लेना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कफोर्स को नहीं लेना, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात नहीं करनी। हम बात किसकी करेंगे बच्चे, हम बात करेंगे जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी। अब उनकी हम किस तरह से कैलकुलेशन करें वो हमने एक बार देख लेते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, ये फैक्ट्री है सपोज आपकी, ठीक है, ये फैक्ट्री है, यहाँ मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है। मैं फैक्ट्री किसकी लूँ, फैक्ट्री ले लेता हूँ बच्चे, मैं जींस बनाने की फैक्ट्री ले लेता हूँ, ठीक है, हमारे एग्जांपल में बड़ी फिट बैठेगी। यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं बच्चे, जो आपकी सिलाई करने की मशीनें होती हैं वो लगी हुई है, ठीक है। कितनी मशीनें लगी हुई है पता नहीं सर, कितनी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर मशीनें लगी हुई है। कितनी मशीनें होगी बच्चे, शायद 20 होगी ना, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ जी 20 मशीन्स लगी हुई है बच्चे, और 20 आपने टेलर बिठा रखे हैं यहाँ पे। टेलर समझते हो बच्चे, डेफिनेटली समझते सर, पागल समझाया गया। तो 20 टेलर आपने बिठा रखे हैं बच्चे, और ये क्या कर रहे हैं, ये जींस की सिलाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर गेट है बच्चे, इस गेट के ऊपर बैठा है एक चौकीदार लाठी लिए हुए, कि कोई भी आपको आके परेशान ना करे। बिल्कुल सही बात है, कोई आपको, आप आए और दो जींस उठा के गए, ये दिखा था पढ़ भागे, यहाँ पे चुपचाप बैठे रहो, मैं जींस लेके जा रहा हूँ, ऐसे कोई कर सकता है ना? तो सिक्योरिटी के लिए बच्चे हमारे पास एक गार्ड होता है, कोई भी फैक्ट्री कंपनी हो एक गार्ड होता है, तो ये गार्ड है हमारा। अच्छा जी, कुछ 2 पर्सन यहाँ पे और भी हैं, ये क्या करते हैं बच्चे, ये सफाई करते रहते हैं, ताकि आपको आपको एक अच्छा हेल्थी एनवायरनमेंट मिले काम करने के लिए, ठीक है। तो ये 2 बंदे क्या कर रहे हैं, ये सफाई कर रहे हैं, एक बंदा और है बच्चे, ये आप सबको पानी चाय ये पिला रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये बात बताओ, जींस बन रही है, जो जींस की फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है, वो जींस ये टेलर बना रहे हैं, या फिर ये 1, 2, 3, 4, ये 4 पर्सन बना रहे हैं? जींस कौन बना रहा है? अगर मैं बात करूं कि जींस कौन बना रहा है, तो आप कहोगे जींस तो टेलर बना रहा है सर, ये थोड़े ना, ये चौकीदार थोड़े ना जींस बना रहा है। लेकिन क्या बच्चे ये फैक्ट्री के लिए जरूरी नहीं है? अगर कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, क्या टेलर काम कर लेगा? नहीं कर पाएगा। तो बच्चे इसी तरह से डायरेक्ट लेबर का सेग्रीगेशन हो जाता है, लेबर का सेग्रीगेशन हो जाता है,
क्या कहते हैं हम कहते हैं जी जो जो पर्सन जींस बना रहे हैं ना वो तो है डायरेक्ट लेबर, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली काम कर रहे हैं इसलिए वो डायरेक्ट हैं। लेकिन ये बंदे भी तो काम कर रहे हैं ना आपके लिए, तो लेकिन कहते हैं जी डायरेक्टली नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो ये कौन हो जाएंगे? इनडायरेक्ट लेबर। तो बच्चे बस यही डिफरेंस है, एक डायरेक्ट लेबर एक इनडायरेक्ट लेबर। अब आपको गंदी गंदी डेफिनेशन दी हुई होती है बुक में, द वर्क फोर्स विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द फाइनल प्रोडक्ट आर कॉल्ड डायरेक्ट लेबर, अदर देन डायरेक्ट लेबर आर कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर। रटू बच्चे मैं इस चीज को, रट लू? ना, रटनी नहीं है। सिंपली बच्चे जो फाइनल प्रोडक्ट आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उसके ऊपर काम करके दे रहे हैं आपको, तो वो डायरेक्ट लेबर है। और जो उसके साथ में भाईबंद हैं, चौकीदार है, सफाई करने वाला है, ये बंदे भी तो होंगे, कुछ कारीगर भी हो सकते हैं, आपकी मशीन खराब हो जाए तो वो आके ठीक करेगा, लेकिन वो जींस तो नहीं बना रहे ना बच्चे, तो इसलिए उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर का अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अच्छा, अब हम ये पूरा चैप्टर ट्रीटमेंट के लिए तो पढ़ रहे हैं बच्चे, तो हम बात करेंगे बच्चे डायरेक्ट लेबर की, मतलब हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे टेलर की। समझ में आ गई बात? तो चलो ठीक है, अब इन टेलर को जो पेमेंट होगी ना, हम उसकी बात कर रहे हैं बच्चे, इनको भी पेमेंट होगी नो डाउट, लेकिन हम इसका जिक्र कहाँ पे करेंगे? इसका जिक्र बाद में करेंगे, हमारे आज इस चैप्टर का ही पार्ट नहीं है बिल्कुल, बल्कि ये चीज़ तो बच्चे एम्प्लॉय को ब्रॉडली अगर मैं बोलूँ तो एम्प्लॉय को हमें ना तीन तरह की चीज़ें देते हैं। क्या क्या देते हैं सर? एक तो इनको देते हैं हम इनकी नॉर्मल वेज जो सैलरी होती है वो, ठीक है भाई, हमने कहा टेलर आओ आप बैठो जींस बनाओ, आपको पर जींस में क्या दूंगा? 100 रुपीज दूंगा सर, 100 रुपीज दूंगा एक जींस की सिलाई करने की। या फिर मैं इसको बोलता हूँ कि आओ टेलर बैठो, मैं आपको 600 रुपीज पर डे दूंगा यहाँ काम करने के, और काम 600 कितने के लिए बच्चे? 8 आवर्स के लिए, ठीक है। मैंने इसको बोल दिया ये बात कि आओ टेलर बैठो काम करो, मैं आपको 600 रुपीज दूंगा 8 आवर्स के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे? इसको बोलेंगे बेसिक वेज। ये तो मिलेगी, अगर आपने एक जींस बनाई आपको 100 रुपीज मिलेंगे, आपने एक दिन काम किया आपको 600 रुपीज मिलेंगे, ठीक है, ये होती है बेसिक वेज। अब क्या हुआ बच्चे, अब था आपके जैसे कॉलेज वगैरह ओपन होने का टाइम था, डिमांड बड़ी ज़्यादा जाती है, आप बच्चे जाते हो दुकानों में और कहते हो कि मुझे तो 30 जींस चाहिए, मुझे तो 20 जींस चाहिए, ऐसा होता है? कॉलेज खुलते हैं बच्चे, आप सब लोग मार्केट में जाके डिमांड करते हो बहुत भारी, आप ट्रक लेके जाते हो अपना साथ में कपड़े लेने के लिए, अपने नए आपके लिए जींस शर्ट्स परचेज करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, क्योंकि कॉलेज में होता है बच्चे, कॉलेज कम होता है आजकल, वो एक क्या बोलते हैं उसे, फैशन शो का प्लेस ज़्यादा होता है, ठीक है। और मेरी बहनें तो खासकर, उनका तो मेरे ख्याल से 365 डेज में वो कोई अपनी ड्रेस रिपीट करती ही नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है बच्चे, ये 600 रुपीज आपको मिलेंगे नॉर्मल, तो ठीक है, ये तो बेसिक वेज होगी हमारी, तो इसको क्या बोलेंगे? वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव को छोड़ दो, ठीक है, वेज पेमेंट होगी हमारी बेसिक वेज। अब मैंने कहा देखो एम्प्लॉय डिमांड बहुत ज़्यादा है, बच्चों के कॉलेज खुलने वाले हैं, तो आप एक काम करो, आप 8 नहीं आप 12 घंटे काम कर दो यार, ठीक है। अब ये एम्प्लॉय कहेगा 12 घंटे काम कर दूँ क्यों? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, मैं 12 घंटे काम करूँ? वो कहता है रुक तो सही भाई, रुक तो सही, मैं तेरे को 600 नहीं मैं तुझे 1000 रुपीज दे दूंगा, मैं तुझे 600 नहीं मैं तुझे 1000 रुपीज दूंगा। अब वो सोचता है, कहता है यार बात तो सही है भाई, 4 घंटे काम और करना है तो कर लेंगे कोई बात नहीं, तो टेलर मान जाएगा। तो बच्चे ये 400 रुपीज आपने किस चीज़ के दिए? ये 400 रुपीज आपने दिए हैं ओवर टाइम के, आप ज़्यादा काम करवा रहे हो। आपका एम्प्लॉयर भी तो ये कह रहा है कि बच्चे रुक जाए यार, ऑडिट का टाइम है, लास्ट डेट नज़दीक आ रही है, अब जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग होती है बच्चे 10th और 20th को, तो आपका एम्प्लॉयर कहता है नहीं बच्चे रुक जा, ठीक है, आज तक को शाम को पिज्जा खिलाता हूँ मैं। ऐसे ऐसे आपको इंसेंटिव दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे लालच दिए जाते हैं, वो किस लिए होता है बच्चे? वो ओवर टाइम के लिए होता है, ठीक है। आपके ऑफिस में होता है क्या ऐसे कि कभी भी थोड़ा सा ज़्यादा काम करवा लेते हैं तो एम्प्लॉयर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मंगवा के देते हैं? होता है बच्चे, हमारे तो होता था, मैं तो मतलब मेरी आर्टिकलशिप के बाद भी जहाँ रहता, जहाँ मैंने काम किया था वहाँ पे भी ऐसा होता था, ठीक है। सीए सारे अच्छे होते हैं, अब ये मत कह देना हमारा सीए तो ये है वो है ना, सीए सारे अच्छे बच्चे, हमें भी तो सीए ही बनना है ना यार। आप अगर आप सीए के बारे में कुछ गलत बोलेंगे तो अपने बारे में गलत बोलेंगे, और अपने बारे में गलत नहीं बोलना बच्चे, हमारा जो प्रोफेशन है वो सबसे बड़ा प्रोफेशन है। तो बच्चे ये 400 रुपीज़ किस चीज़ के हैं? ये है ओवर टाइम के। तो मैंने दो चीज़ बताई, हमें एक तो बेसिक वेज मिल गई 600 रुपीज़, और एक मिल गया हमें ओवर टाइम 400 रुपीज़, ठीक है जी। ओवर टाइम कॉस्ट भी हमारी आ गई, एम्प्लॉय को ही मिलेगी ना, तो एम्प्लॉयर के लिए तो कॉस्ट है, तो ओवर टाइम कॉस्ट। अब बात आती है बच्चे कि मैंने कहा देख एम्प्लॉय, देख टेलर, तू काम कर रहा है, ठीक है, तू एक दिन में 3 जींस बना रहा है,
और हम तेरे को दे रहे हैं 600 रुपीज। ठीक है, अगर मान ले तू दो जींस बनाएगा तो भी तेरे को 600 ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं देख भाई टेलर, अगर तू अच्छा काम करेगा तो हम तेरे को ज्यादा पैसे देंगे। तू 8 घंटे ही काम कर, तुझे काम 8 hours ही करना है, लेकिन तू बढ़िया से काम कर, हम तेरे को ज्यादा पैसे देंगे। वो कहते हैं बढ़िया से कैसे करते होते हैं, आप बता दो, आप सिल दो जींस, आप बता दो मुझे, टेलर भड़क जाएगा। वो कहते नहीं नहीं देख, तू 3 जींस बना रहे, तू 4 बना एक दिन में। ठीक है, तू 4 बना, हम तेरे को 600 नहीं, फिर हम तेरे को 800 रुपीज देंगे। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, जो बच्चे अच्छा काम कर रहे होते हैं उनको इंसेंटिव मिलता है ना, तो मालिक भी यही चाहता है कि उसके एम्प्लॉयज अच्छे से काम करें, तो वो कहेगा देख एम्प्लॉई तो अच्छे से काम कर, हम तेरे को और ज्यादा पैसे देंगे, इंसेंटिव देंगे। बैंकिंग कंपनी जो होती है बच्चे, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर है, वो पूरी की पूरी इंसेंटिव के ऊपर बेस है आपकी, पूरी की पूरी इंसेंटिव। अगर आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव बैंकिंग में या फिर इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा है, एक बार उससे पूछना कि आपका जो सैलरी आती है उसमें इंसेंटिव का पार्ट कितना है। बच्चे उनकी बेसिक सैलरी तो होती है 15,000-20,000, लेकिन उनका इंसेंटिव मिला के उनकी सैलरी आती होती है 50,000-60,000। तो बच्चे इंसेंटिव का बहुत अच्छा पार्ट है, आप जितना अच्छा काम करोगे आपको उतनी ज़्यादा पेमेंट मिलेगी। अब ये इंसेंटिव होते क्या हैं सर, वो तो बता दो भाई। मान लो मेरा एक खुद का एक फ्रेंड है, वो HDFC बैंक में काम करता है। ठीक है, वो ये नहीं है बच्चे, वो एक ग्रेजुएट है, नॉर्मल ग्रेजुएट। उसने बच्चे 15,000 पर मंथ में अपनी HDFC बैंक में एक जॉब ज्वाइन की। अब बैंक ने उसे कहा देख, अब मैं उसका नाम नहीं ले रहा यार, ठीक है, मैं उसका नाम बदल के लेता हूँ, मैंने राहुल नाम ले लिया। उसको बोला बैंक, कहता है देख राहुल, तू तेरे को 15,000 तो मिलेंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, तू ऑफिस में बैठ के काम करेगा, तेरे को 15,000 तो हम देंगे, लेकिन तू अच्छा काम कर, तू हमें कोई लोन का एग्रीमेंट ला के दे, कोई लोन का एम्प्लॉई, कोई बिजनेस लेके आया जो जिसको लोन की रिक्वायरमेंट हो, किसी को पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट हो, किसी को क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, किसी को किसी भी तरह के लोन की रिक्वायरमेंट हो, किसी को इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट हो, आप वो बंदा पकड़ के लेके आओ, वो अपने पॉलिसी करवाएगा, अपना लोन करवाएगा, हम उसके लिए भी तेरे को पेमेंट करेंगे। तो अब राहुल आ गया, बोलता बात तो सही है यार, तो वो अपने फ्रेंड्स को जिनको लोन की वगैरह की रिक्वायरमेंट है उनको बोलेगा कि यार तुम आ जाओ, क्योंकि हर बंदे का देखो बच्चे एक पर्सनल स्पेस होता है, एक पर्सनल उसका सर्कल होता है, उसमें काफ़ी सारे बंदे होते हैं, तो उनसे कहेगा अभी देखो मैं इस चीज़ का काम कर रहा हूँ, किसी बच्चे को, किसी मेरे फ्रेंड को लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। अब लोन की बच्चे रिक्वायरमेंट तो सभी को रहती है, अब मान लो किसी ने होम लोन करवाना है तो वो कहेगा राहुल को कि ठीक है राहुल मेरा होम लोन करवा दे यार, तो राहुल ने उसका होम लोन करवाया और राहुल को मिल गई एक हैंडसम अमाउंट। तो बच्चे उसकी सैलरी तो 15,000 है, लेकिन उसकी जो मंथली पे आउट है वो 30 से अबव रहता है ऑलवेज। तो बच्चे ये 15,000 क्या है, ये इंसेंटिव है कि तू ये इस तरह के कस्टमर्स, बैंक कहता है उसे तू इस तरह के कस्टमर पकड़ के लेके आ, मैं तेरे को पैसे दूंगा। ये क्या बच्चे इंसेंटिव है। तो लेबरर को भी इसी तरह से पेमेंट मिलती है, वो कहते हैं तू अच्छे से काम कर, हम तेरे को ज्यादा पैसे देंगे, उसको बोलेंगे इंसेंटिव। ये बात भी हमारी कवर हो चुकी। अब बच्चे तीसरी बात आती है आइडल टाइम। आइडल टाइम क्या होता है, आइडल टाइम का मतलब खाली टाइम, बेकार टाइम। तो बेकार टाइम के लिए हम एम्प्लॉयज को क्यों सैलरी दें, हम अपने वर्कर्स को क्यों सैलरी दें, आप कह सकते हो हम तो नहीं देते। लेकिन बच्चे एक बात सपोज करो, आपके ये 20 टेलर बैठे हैं जींस बनाने के लिए, ये सुबह 8 बजे अपना नहा धो के टिफिन लेके अपनी आपकी फैक्ट्री में पहुंच चुके हैं, आपके पास कपड़ा ही अवेलेबल नहीं है, अब बताओ आप सैलरी दोगे या नहीं दोगे। अगर बच्चे आपने कह दिया नहीं दोगे तो ये 20 के 20 एम्प्लॉयज आपकी पिटाई कर देंगे उसी टाइम। ठीक है, लेबर क्लास है बच्चे, कुछ वैसे भी नहीं इनको बोल सकते, ठीक है, ये पिटाई कर देंगे आपकी। तो अगर एम्प्लॉई हमारी वजह से खाली बैठा है ना बच्चे, हमारा फॉल्ट है, मान लो ये मशीनें बिजली से चलती है, आपकी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ना कोई बैकअप है, तो ये तो खाली बैठ जाएंगे ना। ठीक है, आप बारिश आई आपकी फैक्ट्री के अंदर पानी घुस गया, ये काम कर लेंगे क्या बच्चे, नहीं कर पाएंगे, इनकी गलती है पानी घुसना नहीं, इनको कपड़ा ही नहीं दिया गया आपने, इनको जो डायरेक्ट मटेरियल चाहिए था जो अपना काम पूरा करने के लिए आपने वही प्रोवाइड नहीं करवाया, ये काम कर लेंगे बच्चे, नहीं कर पाएंगे। तो अगर एम्प्लॉयर की गलती से एम्प्लॉई खाली बैठा है तो बच्चे पेमेंट तो करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडल टाइम कॉस्ट। तो बच्चे जो उसकी 600 रुपीज पर मंथ है ना, अगर मान लो आए और खाली बैठ के चले गए तो उसको 600 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ बच्चे, आपने भी फेस किया होगा अपनी लाइफ में, जब आपका घर बन रहा होता है, जब हमारा घर बन रहा था ना बच्चे, तो ये जुलाई अगस्त का ही टाइम था, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो हरियाणा में बच्चे जुलाई अगस्त में बारिश होती है, तो क्या होता था कि कई बार बारिश हो जाती थी और बारिश होने की वजह से काम रुक जाता था, मतलब हाफ डे काम नहीं हुआ या फिर 3-4 घंटे काम नहीं हुआ, तो
बच्चे कॉस्ट तो होती है ना, मान लो उस टाइम सपोज 400 रुपीज वो पर डे के चार्ज करते थे हमसे जो लेबर थी क्लास थी, आज की बात नहीं बच्चे 2003 की बात है ये, 2003 में मेरा घर बना था, तो 400 बच्चे ये 8 आवर्स के चार्ज करते हैं, तो 50 रुपीज पर आवर कॉस्ट तो मुझे लग ही रही है ना। अब मान लो वो 5 बंदे आ रहे हैं तो मुझे तो 250 रुपीज कॉस्ट लग रही है ना एक एक घंटे की। अब मान लो बारिश आ जाती है, 3 घंटे काम नहीं होता, तो मुझे तो बच्चे साथ 750 रुपीज कॉस्ट लग गई ना। कोई भी हो यार, चाहे वो आपकी फैक्ट्री हो, आपकी फैक्ट्री की बिल्डिंग बन रही हो, आप मान लो आपका काम ही बिल्डिंग्स बना के सेल करना है, तो जो लेबर होगी वो आपके लिए डायरेक्ट लेबर होगी। अब मान लो बारिश की वजह से उसको खाली बैठना पड़ गया, अब मैं घर के लिए मैंने 5 का, हो सकता है आप जब आपका काम ही बिल्डिंगें बना के सेल करना है या किसी के लिए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट पे बनाना है, तो हो सकता है आपके पास 50 वर्कर हो, तो 50 वर्कर की 7,500 रुपये आपके वो तो नुकसान हो गया ना। तो वो होता है बच्चे आइडल टाइम कॉस्ट। भाई किसी भी वजह से अगर एम्प्लॉय को खाली बैठना पड़ गया और हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ रही है, तो हम बोलेंगे उसे बच्चे आइडल टाइम कॉस्ट। इन पॉइंट्स में मैं इतना टाइम क्यों लगवा रहा हूँ बच्चे, क्योंकि ये पॉइंट बार बार यूज होंगे। अगर कहीं भी हमारी इनकी नॉलेज थोड़ी सी कम रह गई ना बच्चे, तो बाद में हो सकता है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चीज़ों पर अटक जाए। तो एक बार टाइम लगा लीजिए, ये नहीं है कि आप फॉरवर्ड करके आगे निकल जाओ, इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसीलिए टाइम लगा रहा हूँ। वरना आपको पता है आप एक चैप्टर मेरे साथ कर चुके हो, बेवजह की चीजों पे मैं 2 मिनट नहीं लगाता, वैसे ही उनको स्किप करके आगे निकल जाता हूँ। तो आपको बच्चे एम्प्लॉय कॉस्ट में 3 चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, आइडल टाइम, ओवर टाइम और वेज पेमेंट। वेज पेमेंट के प्लस में इंसेंटिव्स, और ये इंसेंटिव्स है ना बच्चे, ये अपने चैप्टर का मेन पार्ट है। बहुत सारे बुद्धिजीवी थे, बहुत से अच्छे लोग थे जिन्होंने रिसर्च की, और रिसर्च करके हमें बताया कि आप इस तरह से वेज पेमेंट कीजिए, आपके एम्प्लॉयज सेटिस्फाई रहेंगे। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम कुछ बात करेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल की, एम्प्लॉयज की जो कॉस्ट है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। बहुत आसान चीजें हैं बच्चे, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसीजर क्या होता है? अच्छा, ये पेरोल वर्ड क्या होता है बच्चे? जहां भी आपको पेरोल वर्ड दिखे आप उसका मतलब समझो सैलरी। ठीक है, एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर, ठीक है, एफिशिएंसी रेटिंग प्रोसीजर। अच्छा, ये एक मैं वर्ड और डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है बच्चे? एफिशिएंसी होती है किसी काम को एफिशिएंटली करना। ये तो कोई बात नहीं है, एफिशिएंटली का मतलब क्या? किसी काम को अच्छे से करना, किसी काम को बेटर वे में करना, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी रेटिंग किस तरह से की जाएगी? मान लो मैं कहता हूं कि एक वर्कर है, ठीक है, अब मैं आर्टिकल का जिक्र नहीं करूंगा बच्चे, आप वरना कहोगे कि हम कोई लेबरर थोड़ी ना बच्चे, 3.5 ईयर तो आप लेबरर ही हो, और अगर आप मेरी बात को डिनाई करते हो तो अपने अंतरात्मा से पूछो लेबरर नहीं हो क्या? ऑफिस में क्या होता है आपको साथ? बस आप क्लाइंट साइड पे ही एक मतलब चार्टर्ड होते हो, बाकी अपने ऑफिस में तो आप क्या हो आपको पता है। 3.5 ईयर मैंने भी बिताए हैं भाई। वन वर्कर, आपका जो एक वर्कर है, एक लेबरर है, वो सपोज एक दिन में 10 यूनिट्स बनाता है, या फिर आप कहते हो कि देख लेबरर हम आपको 500 रुपीज देंगे। आप क्या कहते हो उसे? देख भाई लेबरर हम आपको क्या देंगे? 500 रुपीज देंगे। आप एक दिन में 10 यूनिट बनाओगे कम से कम, ठीक है, तो 10 यूनिट कंपनी ने देखा है कि एक वर्कर अगर नॉर्मली काम करे तो वो 10 यूनिट बना सकता है। ठीक है, अब वर्कर था थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड, उसने एक दिन में बनाई 15 यूनिट्स। तो बच्चे मुझे ये बताओ कि ये क्या ये एफिशिएंट है या एफिशिएंट नहीं है? मैं रेशियो नहीं निकाल के दे रहा आपको, मैंने कहा क्या ये एफिशिएंट है? बिल्कुल है बच्चे। इसको आपने कहा कि 10 यूनिट बना और ये बना के दे रहा है आपको 15 यूनिट। 10 के बाद कितने भी बच्चे, 10 के बाद ये 11 यूनिट बना रहे हैं, 12 बना रहे हैं, 13, 14, 15, 20, 100 कितने भी बनाए, 10 से फालतू अगर ये यूनिट बना के दे रहा है तो ये बच्चा एफिशिएंट है। एफिशिएंट है तो क्या आप इसको ऐसे छोड़ दोगे कि ठीक है भाई तू तो बहुत अच्छी बात है शाबाश? शाबाश ही नहीं बच्चे, लेबरर है उसको पैसा चाहिए, तो आप उसको क्या दोगे? इंसेंटिव दोगे। और इंसेंटिव कैसे दोगे बच्चे? बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं को तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक वर्ड था एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब किसी काम को करने का बेटर वे, बेटर वे। और एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब आपको पता है यार, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन पढ़ा दूं क्योंकि मैं कुछ छोड़ता नहीं हूं, तो पढ़ा ही देता हूं बच्चे। टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और टू मेक प्रोविजन फॉर सर्विस द रोल ऑफ ह्यूमन एजर्शन इज इन एविटेबल। द टर्म यूज फॉर ह्यूमन रिसोर्स में इंक्लूड वर्कर, एम्प्लॉई, लेबरर, स्टाफ, व्हाटसोएवर नोमेनक्लेचर में बी यूज टू डिनोट देम, दे आर रिक्वायर्ड टू बी कंपनसेटेड फॉर देयर एक्सर्शंस। एक बात बताओ बच्चे, आप लेबरर को चाहे कोई भी नाम दो,
ठीक है, वो बस आपके वर्कफोर्स होनी चाहिए। अब वैसे मैं आपको एक डिफरेंस बता दूं, सैलरी आपको हमेशा मेंटल वर्क के लिए मिलती है और जो वेजेस होती है वो मिलती है आपको फिजिकल वर्क के लिए, ठीक है, एक बेसिक डिफरेंस होता है। लेकिन हमारे इस चैप्टर के लिए हम कोई भी डिफरेंस नहीं करेंगे, इसने बोल दिया है कि हम कोई भी डिफरेंस नहीं करेंगे। द कंपनसेशन पेड इधर इन मॉनिटरी टर्म्स और इन काइंड एंड फैसिलिटी इज नोन एज वेजेस। कॉस्ट ऑफ पेइंग वेजेस टू वर्कर्स इज प्रॉपरली नोन एज लेबर कॉस्ट एज इट इज रिलेटेड टू लेबर दे पुट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट और प्रोविजन ऑफ सर्विस। हेंस एम्प्लॉय कॉस्ट इज ऑल्सो इंटरचेंजेबली नोन एज लेबर कॉस्ट। तो हम लेबर कॉस्ट ही वर्ड यूज करेंगे बच्चे। इन नटशेल एम्प्लॉय कॉस्ट इज वाइडर टर्म विच इंक्लूड वेजेस सैलरी बोनस इंसेंटिव एक्सेट्रा पेड टू एन एम्प्लॉय एंड चार्ज टू ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट एज लेबर कॉस्ट। ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे बच्चे। एक क्वेश्चन भी है इसके ऊपर, तो ये प्रैक्टिकली भी हम समझ लेंगे। इसमें और कुछ नहीं है बच्चे, अगले पेज पे आ रहे हैं। हाँ जी बच्चे, अब मैं आपको बताता हूँ एम्प्लॉय एंड लेबर कॉस्ट। अभी मैं बता रहा था ना आपको कि हम इसकी सेग्रीगेशन की भी बात करेंगे। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़ें, फिर भी एक बार पढ़ाने वाली बात है। तो चलिए हम पढ़ते हैं एम्प्लॉय और लेबर कॉस्ट। एम्प्लॉय और लेबर कॉस्ट। बेनिफिट पेड और पेबल टू द एम्प्लॉय ऑफ एन एंटिटी वेदर परमानेंट और टेम्प्रेरी फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय देम। एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड्स पेमेंट मेड इन कैश काइंड। एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। कहते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, ठीक है बात करते हैं। कहते हैं जी वेजेस एंड सैलरी, हम बात कर चुके वेजेस एंड सैलरीज। अलाउंसेज एंड इंसेंटिव, कोई भी अलाउंस या फिर कोई इंसेंटिव पे कर रहे हैं तो वो भी उसकी लेबर कॉस्ट में इंक्लूड होगा, बिल्कुल होगा। पेमेंट फॉर ओवर टाइम, ये भी बात कर चुके। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर वेलफेयर फंड, अभी बात करता हूँ बच्चे इसके लिए एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा आपको। फिर कहते हैं अदर बेनिफिट्स लीव विद पे फ्री और सब्सिडाइड फूड लीव ट्रेवल कंसेशन एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी बच्चे हमारी क्या है, लेबर कॉस्ट है। अब बात आती है बच्चे ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या चीज है, ठीक है एक बार इस चीज को हम समझ लेते हैं। देखो बच्चों, जिसको आता है जिसने काम किया है प्रैक्टिकली तो वो बोर मत होना, देखो आपकी रिवाइज हो जाएगी और जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें पता चल जाएगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं बच्चे, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। ये होता क्या है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू PFESI। देखो बच्चे क्या होता है, हम अगर एक फैक्ट्री रन कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं रन कर रहे हैं तो हमारे पास बच्चे एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ को हम सैलरी देते हैं। सपोज हम एक एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी दे रहे हैं 10,000, ठीक है। अब बच्चे गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट कहती है देखो एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है 10,000। अब 10,000 में बच्चे ये अपने आप से क्या कमा लेगा, ठीक है, क्या सेव कर लेगा, क्या खर्चा कर लेगा। तो सरकार कहती है देखो आप है ना एम्प्लॉयर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसके लिए सेविंग करो। एम्प्लॉयर कहता है सर कैसे करूं, गवर्नमेंट कहती है देख देखो आप क्या करो, आप इसकी सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लो, ठीक है। ये जो परसेंटेज है ना बच्चे ये अप्रोक्सीमेटली है, मैं एग्जैक्टली नहीं ले रहा क्योंकि हमें EPF और ESI नहीं पढ़ना है। मैं कहता हूं कि देखो गवर्नमेंट ने कहा कि आप इसकी सैलरी से 12% डिडक्ट कर लो, ये PF होता है बच्चे, प्रोविडेंट फंड। सरकार क्या कहती है आप 12% डिडक्ट कर लो, किसकी सैलरी से, एम्प्लॉय की सैलरी से, एम्प्लॉय की सैलरी से, और उसको 10,000 में से 1200 मतलब 12% डिडक्ट करके आप उसको पेमेंट कर दो 8800, ठीक है। अब आप कहोगे इसमें एम्प्लॉयर का क्या रोल हो गया, एक तो एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 थी, 8800 रुपये उसको दे के आपने विदा कर दिया, तो इसमें एम्प्लॉयर का क्या रोल हुआ, एम्प्लॉयर का रोल आएगा ना बच्चे। अब गवर्नमेंट कहती है देखो एम्प्लॉयर तुम भी 1200 रुपये और ऐड करो इसमें, प्लस 1200 रुपये और ऐड करो, मतलब एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय का जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर आप भी कॉन्ट्रीब्यूट करो अपनी पॉकेट से। एम्प्लॉयर कहता है अच्छा ऐसे भी होता है, बोला हाँ बिल्कुल होता है। कहता है अब ये आप 1200, ये तो क्या था, 1200 तो था एम्प्लॉय का, ये तो एम्प्लॉय का आपने डिडक्ट कर लिया, और प्लस में 1200 ही कौन करेगा, एम्प्लॉयर भी करेगा,
एम्प्लॉयर भी करेगा। और ये 2400 जो रुपीज होंगे ये आप क्या करो बच्चे, ये आप जमा करवा दो गवर्नमेंट के पास ईपीएफ फंड में, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में, ये आप जमा करवा दो 2400 रुपीज। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, अब ये जो एम्प्लॉय है इसकी जेब से कितना गया, ओनली 1200, लेकिन इसकी पॉकेट में कितना आ रहा है, 2400। आप कहोगे पॉकेट में कहाँ है सर, ये तो गवर्नमेंट के पास चला गया। नहीं, ये एम्प्लॉय का ही अकाउंट है बच्चे, ईपीएफ अकाउंट होता है, आप कभी भी अपने ईपीएफ अकाउंट को चेक कर सकते हो उसमें बैलेंस क्या है। इसके ऊपर गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट भी देती है, आई थिंक आप 9% चल रहा है शायद, मुझे एग्जैक्ट रेट तो नहीं पता, 9 या 8.5 ऐसे कुछ चल रहा है। तो 9% के रेट से आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा, मंथली डिडक्शन है बच्चे। अब ये आप एक चीज देखो, आपके जेब से कितना गया पूरे साल में, 14,400, एम्प्लॉयर की पॉकेट से भी तो 14,400 गया, और बाय द एंड ऑफ ईयर आपकी ओरिजिनल अमाउंट 28,800 हो गई। प्लस में मैं कहता हूँ इसके अंदर सपोज कुछ इंटरेस्ट आ जाएगा, सपोज 1200 रुपये आपका इसका इंटरेस्ट आ गया, तो आपकी जेब में बच्चे एम्प्लॉई आपकी पॉकेट में 30,000 इकट्ठे हो गए ना बाय द एंड ऑफ ईयर। अब मान लो आपने ये 30,000 सपोज 10 साल के लिए इकट्ठा कर लिया, तो बच्चे 3 लाख की एक अमाउंट आपकी पॉकेट में इकट्ठी हो गई। ठीक है, इसके और भी बेनिफिट होते हैं, एक सेविंग के अलावा भी इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, कि जैसे अगर मान लो, जैसे मैं पीएफ और ईएसआई की बात कर रहा हूँ, सेम ही कंसेप्ट है बच्चे, कि एम्प्लॉय का कुछ डिडक्ट होता है, एम्प्लॉयर अपना पोर्शन ऐड करेगा और ईपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगा। ईएसआई का थोड़ा सा अलग है, ईएसआई में एम्प्लॉय का तो 1% के लगभग ही होता है और एम्प्लॉयर का थोड़ा ज़्यादा होता है, ये 5% के लगभग होता है। तो क्या होता है भैया, ये जो हमारा 12% था, ये 1 और 5 की रेश होती है। परसेंटेज में आपने नहीं जाना, क्योंकि हम अकाउंटिंग नहीं सीख रहे, हम कानून नहीं सीख रहे, हम सीख रहे कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये होता है कि जो सैलरी होती है उसमें से कुछ डिडक्शन हो जाती है एम्प्लॉय के सैलरी से, और कुछ एम्प्लॉयर उसमें ऐड करके गवर्नमेंट के पास, ये क्या है, गवर्नमेंट है बच्चे, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा देता है। ये एम्प्लॉय जब चाहे, जब ये जॉब छोड़ेगा या जब भी इसकी इच्छा हो, ये अपना पैसा गवर्नमेंट से वापस ले सकता है विद इंटरेस्ट। तो ये है बच्चे कंसेप्ट ईपीएफ और ईएसआई का। और क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वैसे तो हमारा पार्ट नहीं है, फिर भी बता दूं बच्चे। मान लो कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसे चोट लग गई और चोट ज़्यादा लग गई, अब वो आगे काम भी नहीं कर सकता, तो बच्चे उसे पेंशन मिलती है। ठीक है, उसे उसके घर बैठे पेंशन मिलेगी। कोई सपोज बीमार हो गया, तो बच्चे उसके हॉस्पिटल का खर्च देता है, कौन देता है, ईएसआई डिपार्टमेंट देता है। आपने सुना होगा ईएसआई हॉस्पिटल होते हैं कुछ, तो मतलब वैसे तो आजकल जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें होता है ईएसआई का डिपार्टमेंट भी, तो ईएसआई आपको आपके एक्सपेंसेस भी देगा। आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, उसके एक्सपेंसेस भी ईएसआई बियर करता है। ठीक है, तो बच्चे जो लोअर क्लास है, जिनकी सैलरी कम है, बेचारे जो गरीब हैं, जो मतलब महंगे इलाज ना करवा पाएं, चोट लग जाए महंगा इलाज ना करवा पाएं, कोई बीमारी आ जाए महंगा इलाज ना करवा पाएं, तो बच्चे ये ईएसआई डिपार्टमेंट उन लोगों की हेल्प करता है। अगर आप फैक्ट्री में हो, आपकी ईएसआई एप्लीकेबल है, आपका ईएसआई का डिडक्शन होता है, तो आपका एक ईएसआई कार्ड बन जाता है, उसके थ्रू आप अपना इलाज वगैरह करवा सकते हो। तो ज़्यादा डिटेल इसकी मैं डिस्कस नहीं करूँगा बच्चे, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि जो आपकी बेसिक सैलरी है उसमें से कुछ एम्प्लॉय आपका डिडक्ट होता है और कुछ एम्प्लॉयर आप उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हो। तो मैंने सैलरी का पार्ट बच्चे क्या बताया है, मैंने सैलरी का पार्ट बताया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ओनली। मैंने ये नहीं कहा कि एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन आपकी सैलरी का पार्ट है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन तो एम्प्लॉय आपकी पॉकेट से डिडक्ट होके जा रहे हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मतलब बच्चे एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से और ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है बच्चे, और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी उसके बाद आपको। फिलहाल बेसिक इतना ही। फिर मैंने बताया था बच्चे डायरेक्ट कॉस्ट होती है आपकी और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती है, दोनों मैंने बता चुका, ये डिफरेंस है जो इसका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, पढ़वाई देता हूँ डिफरेंस। तो बच्चे इट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन पेमेंट ऑफ एम्प्लॉई हु आर डायरेक्टली एंगेज इन द प्रोडक्शन, और ये कौन बच्चे, एम्प्लॉय हु आर नॉट डायरेक्टली एंगेज इन द प्रोडक्शन। बताओ इतनी बड़ी डिफरेंस बता दिया इन लोगों ने। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड। इजिली आइडेंटिफाइड कैसे बच्चे, एक टेलर है, जींस उसने बनाई है तो आइडेंटिफाइड है, लेकिन एक पर्सन है वो वहां से झाड़ू मारता हुआ निकला था, अब उसकी कॉस्ट ऐड करके दिखा दो ना जींस में, कैसे करोगे। ठीक है, एक अब जींस टेलर जब जींस सिल रहा था खटाखट खटाखट खटाखट, तब क्या हुआ, एक एम्प्लॉय आया, एक पीएन आया, उसको कहता है लो पानी पानी पी लो, चाय पी लो, अब उसकी कॉस्ट ऐड करके दिखाओ ना जींस में, तो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल नहीं है ना बच्चे। लेकिन टेलर की जो कॉस्ट है, टेलर को जो आप 600 रुपीज पर डे दे रहे हो, वो उसकी जो जींस की कॉस्ट है उसमें डायरेक्टली इंक्लूडेबल है।
तो ये क्या होते हैं, डायरेक्टली इजिली आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड, जबकि ये क्या होती है, अपोर्शन होती है बच्चे। अपोर्शन कैसे होगी, मैं आपको बता दूं छोटा सा हिंट, ये जो इनडायरेक्ट लेबर होती है ना, ये ओवरहेड बोलते हैं हम इसको। अब ओवरहेड क्या होते हैं इससे ज्यादा नहीं, तो ये ओवर होते हैं अपोर्शन। अपोर्शन कैसे, अपोर्शन का मतलब होता है जैसे बच्चे जिस फैक्ट्री में वो एम्प्लॉय बैठे हैं उसका रेंट है सपोज 10,000, ठीक है, उसका रेंट 10,000 है। अब मुझे बताओ कौन सी जींस के ऊपर 10,000 डालोगे, कौन सी जींस को आप महंगा करोगे, किसी को भी नहीं कर सकते। तो मंथ में जितना प्रोडक्शन हुआ है आप उसके अंदर डिवाइड कर सकते हो, इसको बोलते हैं पोर्शन करना। ज्यादा डिटेल नहीं, हमारा पार्ट अभी का नहीं है ये। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट वेराइज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, आपका जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी बच्चे बढ़ेगी। लेकिन जो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो वेरी नहीं होती है, मे नॉट वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये सेम रेशियो में तो कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। अगर सेम रेशियो में इंक्रीज होगी तो बच्चे ये तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बन जाएगी, इनडायरेक्ट रहेगी नहीं। तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है उसका प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं होता, वो हो सकता है किसी और बेस पे आपकी इंक्रीज हो रही हो, ठीक है। अरे दो ही डिफरेंस थे, तीन ही डिफरेंस थे, इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, आप एग्जाम्पल के साथ बताओगे, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है इस तरह के आप एग्जाम्पल दे सकते हो टेलर और उसके जो बाकी साथी थे उनका। उसके बाद आता है बच्चे एम्प्लॉइज कॉस्ट कंट्रोल, ये क्या है, अरे समझ जाओ कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल में करना, खर्चों को कंट्रोल में करना, ठीक है। अब आपकी डिमांड रहती है हर रोज, मुझे नया मोबाइल चाहिए, मुझे नया लैपटॉप चाहिए, तो आपके पापा क्या कहते हैं, नहीं वो आपके पापा कॉस्ट कंट्रोल कैसे करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, थप्पड़ भी दिखा देते होंगे कई बार, नहीं तुम्हारी डिमांड्स बढ़ रही हैं अब और आपको चीजें नहीं मिलेगी, आपको मोबाइल 4 साल में एक बार मिलेगा, आपको लैपटॉप 5 ईयर्स में एक बार मिलेगा, ठीक है, ऐसा होता है। और जो एज होती है ना 16 to 20 ईयर्स, उसमें सबसे ज़्यादा मोबाइल चेंज किए जाते हैं। मैंने मेरा टाइम था कभी, मैंने 1 साल में 4 मोबाइल चेंज किए थे, और आज मैं 4 साल से 1 मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एज होती है बच्चे। तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या बच्चे, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब आपको अपनी लेबर की कॉस्ट कंट्रोल करनी है, मैं ये नहीं कह रहा कम करनी है, कंट्रोल करनी है। अब ये कंट्रोल करना और कम करना क्या होता है, कंट्रोल करने का मतलब बच्चे जितना ज़रूरी है लेबर वो तो आप लगाओगे, लेकिन उसे एफिशिएंटली यूज़ करवाओगे। मतलब अब आपके जो एम्प्लॉय है, जो आपके वर्कर हैं, बार बार खाली बैठ जाते हैं, बार बार बातें लग जाते हैं, बार बार मोबाइल उठा के काम करने लग जाते हैं। एक और भी होता है, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखा होगा बच्चे आपने, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वर्कर होते हैं बार बार वो स्मोकिंग करने लग जाते हैं, उतनी लंबी कुछ उनके स्टिक्स हाथ में होती है, वो काफ़ी देर उसको स्मोक करते हैं, तो क्या होता है बच्चे टाइम वेस्ट हो रहा होता है। अब उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है, उसे क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि डिक्रीज करो इंक्रीज करो ना, मैंने कहा कंट्रोल करो उसको, गलत हमारा आइडल टाइम ना हो, हमारा क्या हो बच्चे कि जो काम है वो एफिशिएंटली हो, उसको बोलेंगे कॉस्ट कंट्रोल। चलो पढ़ते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन बींग्स, टू कंट्रोल एम्प्लॉय कॉस्ट वन हैज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल मीन्स कंट्रोल ओवर द कॉस्ट इनकर्ड ऑन एम्प्लॉयज, कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयज कॉस्ट डज नॉट इम्प्लाई कॉस्ट कंट्रोल ओवर द साइज ऑफ वेजेस बिल, इट ऑल्सो डज नॉट इम्प्लाई दैट वेजेस ऑफ ईच एम्प्लॉय शुड बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। मतलब इसका कहने का मतलब ये नहीं है सर कि आप उनकी सैलरी कम कर दो, आप कहोगे हम 600 नहीं, हम आपको 200 रुपीज देंगे। अब कोरोना टाइम्स है बच्चे, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड ये जो डिजीज है ये फैली हुई है, ठीक है, और जॉब्स पे भी बच्चे बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। तो अब अगर एम्प्लॉयर ये कहे कि देखो हम आपको इतनी सैलरी देंगे, आपको काम करना तो करो। अब क्योंकि बच्चे मोस्ट ऑफ पर्सन क्या है, आउट ऑफ जॉब है, ठीक है, जो मतलब मैं कहूँ कि सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स थी और अनस्किल्ड वर्कफोर्स थी वो अनएम्प्लॉयड है, स्किल्ड वर्कफोर्स के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है यार उसकी तो डिमांड रहेगी, ऐसी बात नहीं है। जो सेमी स्किल्ड है, जो अनस्किल्ड है लेबर, अब वो बेचारे क्या करें, अब उनको उनको कहा जाता है कि आप 500 नहीं, हम आपको 200 रुपीज़ देंगे, काम करना है तो करो, तो यार वो तो एक शोषण हो जाएगा। वो ये कहता है कि हमें लेबर बिल कम करने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि आप एफिशिएंटली यूज़ करो उसको। द एम शुड बी टू कैप्ट द वेजेस पर यूनिट ऑफ आउटपुट एज लो एज पॉसिबल, कहते हैं जी पर यूनिट कॉस्ट को हमने कम करना है, ये तो हम ऑब्जेक्टिव बता ही चुके, आपको क्या करना है पर यूनिट कॉस्ट कम करनी है।
दिस कैन ओनली बी अचीव्ड बाय गिविंग एम्प्लॉइज एप्रोप्रिएट कंपनसेशन टू एनकरेज एफिशिएंसी सो दैट ऑप्टिमम आउटपुट कैन बी अचीव्ड इन इफेक्टिव मैनर। तो बच्चे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेंगे। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ बच्चे, उसके जो हमारे एम्प्लॉयर हैं, हमारे मालिक हैं, वो बहुत बहुत यार मैं कहूँगा बहुत नाइस पर्सन है वो, ठीक है। मुझे पता है वो मेरे वीडियोस नहीं देखेंगे, ठीक है, मेरी एफपी पे ऐड है वो, लेकिन मेरे वीडियोस नहीं देखते होंगे, एक एक घंटे को तो बिल्कुल भी नहीं देखते होंगे बच्चे। उनमें बिजनेस सेंस है, वो अपने एम्प्लॉयज को ऑलवेज बड़ा मोटिवेट रखते हैं। मैं एक कंपनी में पिछले 8 ईयर से काम कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है कि हम इतने लंबे टाइम तक किसी के पास काम करें। इनफैक्ट जब मैंने ज्वाइन किया था मुझे भी लगता था, मैं सोच रहा था 2 साल काम करूंगा भाग जाऊंगा और किसी कंपनी में, लेकिन बच्चे उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एटीट्यूड है काम करवाने का, बहुत अच्छा है यार, मतलब मैं इम्प्रेस्ड हूँ। वो सीए नहीं है लेकिन वो सीए से भी बढ़ के हैं, बहुत नॉलेज है उनके अंदर एम्प्लॉयज़ का ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करने में। ह्यूमन बिहेवियर हम कहते हैं कि हम सीए ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर लेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, वो बड़े अच्छे से स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। अब बच्चे क्या है कि देखो सीए बन चुके थे, सैलरी भी ठीक ठाक थी, कोई ऐसी मतलब बुरी नहीं थी, तो उन्होंने देखा यार कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज़ का, एफिशिएंसी का और मोटिवेशन का कैसे होता है। तो उन्होंने देखा यार सैलरी से तो हम अमित को मोटिवेट नहीं कर सकते, ठीक है, अगर वो कहते कि सैलरी तेरी अमित आज से इतनी नहीं इतनी है तो शायद मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं हूँगा। उन्होंने बच्चे क्या किया, उन्होंने मुझे मैनेजमेंट में इंक्लूड किया। मैनेजमेंट में इंक्लूड करके जो टॉप पोजीशन थी मैनेजमेंट की, उसमें मुझे मतलब जगह दी, कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ उन्होंने करवाए, मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया। इवन उन्होंने यार मतलब जो उनकी बिजनेस है उसका मेजर पार्ट मेरे नाम किया उन्होंने। तो बच्चे उससे रियली बता रहा हूँ, आज की डेट में ये 8 साल पुरानी बातें हैं, मुझे बड़ा मोटिवेशन मिला, मैंने बहुत अच्छे से काम किया, आज भी मैं उस कंपनी के साथ हूँ। और अगर मैं ये कहता हूँ कि 20 साल बाद भी अगर मैं कहीं भी हूँ ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड, अगर उस कंपनी का एम्प्लॉयर मुझे एक बार फोन करके बोल देगा कि अमित मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं यार वो काम छोड़ के उसके साथ आऊँगा, बिकॉज ऑफ उसका बिहेवियर, उसका मतलब उसका काम करवाने का तरीका। तो आई विल सैल्यूट हिम, बहुत अच्छा आदमी है यार वो। तो क्या होता है बच्चे कि इस तरह के मोटिवेशन जब मिलते हैं ना, तो हम अपना काम डबल एफिशिएंसी से करते हैं। मैं रात को भी काम करता रहता हूँ, सुबह भी काम करता रहता हूँ, अगर ज़रूरत हो तो मैं क्या पता ऑफिस में सोने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं चाहिए। तो कुछ हमें क्या चीज़ मोटिवेट करती है, डिपेंड करता है, ठीक है। आपने शायद प्लस टू में जब आपने बिजनेस स्टडी पढ़ी होगी तो एक मास्लो नाम का व्यक्ति होता था, मास्लो ने कोई थ्योरी दी थी कि अलग अलग पर्सन को अलग अलग तरह से मोटिवेट किया जाता है। मुझे लगता था उस टाइम नहीं यार पैसे से ही मोटिवेट होता है सभी, क्योंकि मैं उस टाइम प्लस टू में था। आप लोग भी शायद आपको लगा होगा कि नहीं पैसे से ही होता होगा, नहीं बच्चे पैसे से आगे भी एक चीज़ है, उससे भी हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो ठीक है हम पढ़ते हैं बच्चे, क्या कहते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ाओगे ना, एफिशिएंसी अगर बढ़ेगी हमारी तो काम अच्छे से होगा। वही ये कह रहा है कि पर यूनिट आपने लो कॉस्ट रखनी है, तो बाय गिविंग एम्प्लॉइज एप्रोप्रिएट कंपनसेशन। देखो नो डाउट सैलरी तो चाहिए, अगर मुझे कहा जाए कि फ्री में काम कर दे बिल्कुल भी नहीं करूंगा भैया, घर से नहीं निकलूंगा, ठीक है। सैलरी तो चाहिए, उसके प्लस में भी कुछ चाहिए होती है यार, वो होती है रिस्पेक्ट, ठीक है। ए वेल मोटिवेटेड टीम ऑफ एम्प्लॉइज कैन ब्रिंग अबाउट वंडर्स, बच्चे मतलब ये कहता है कि वंडर्स ला सकती है अगर मोटिवेटेड टीम हो तो। डेफिनेटली यार मेरे स्कूल की जो टीम है, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ की जो टीम है वो बहुत अच्छी है, वेल मोटिवेटेड है, उसको कभी कोई काम कह लो सब के सब एक जगह एक सेकंड में इकट्ठा हो जाएंगे। ईच कंसर्न शुड देयरफॉर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू रेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज, द एफर्ट्स फॉर द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट शुड बिगिन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, देयर हैज़ टू बी ए कंसर्टेड एफर्ट बाय ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट। अब ये क्या होता है बच्चे, डिपार्टमेंट, एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं बच्चे, कोई कंपनी आइसोलेशन में नहीं चल सकती, ये नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति पूरी कंपनी को रन कर रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंपनीज में क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं, मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, देन सुपरवाइजर होते हैं, बहुत बड़ी एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक हायरार्की होती है। तो कहते हैं जी कॉस्ट कंट्रोल अगर आपको करनी है ना, तो ये नहीं कह सकती कि कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या एक पर्टिकुलर मैनेजर या सुपरवाइजर या कोई एक पर्टिकुलर डिवीजन आपकी कॉस्ट कंट्रोल करके दे देगी। कहते हैं ये ज्वाइंट एफर्ट्स होते हैं। ज्वाइंट एफर्ट्स कैसे बच्चे, अब मुझे एक बात बताओ, आपने जो एम्प्लॉई रिक्रूट किया है, आपने कहा उसको 10 यूनिट्स बनानी है,
उसने 15 बना के दी, एफिशिएंट है, लेकिन बच्चे आपने शुरू में उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा हाई डिसाइड कर दी, आपने कहा कि हम आपको 600 नहीं, 600 रुपीस पर डे के नहीं, हम आपको देंगे बच्चे मान लो 1500 रुपीस। अब मुझे बात बताओ यार, ये चाहे कितनी भी यूनिट बना दे, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है? नहीं। तो बच्चे रिक्रूटमेंट के टाइम जब आप एम्प्लॉय को रिक्रूट करके लेके आ रहे हो, तो बच्चे उस टाइम भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्या, कॉस्ट कंट्रोल को। तो अब आप एक एक चीज़ को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये चीज़ें होती है। सबसे पहले बच्चे आता है आपका पर्सोनल डिपार्टमेंट। ये क्या होता है बच्चे पर्सोनल? ये पर्सोनल का मतलब ही बच्चे आपका क्या होता है, एम्प्लॉयज से रिलेटेड होता है पर्सोनल। पर्सोनल डिपार्टमेंट क्या करता है बच्चे, ये आपको एम्प्लॉयज को, एचआर डिपार्टमेंट आपने सुना होगा यार, एचआर डिपार्टमेंट आपके ऑफिस में भी होता है एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एचआर डिपार्टमेंट वालों का काम क्या होता है, आपसे काम करवाना, आपको रिक्रूट करना, आपको सैलरी दिलवाना, आपको अप्रेजल दिलवाना। अप्रेजल के टाइम तो आपका काफ़ी मतलब आप उनकी बहुत खातिरदारी करते हो एचआर डिपार्टमेंट के अपने, ठीक है। एचआर वाली मैम, सभी के मैम ही होती है एचआर में तो ना। हाँ जी, तो पर्सनल डिपार्टमेंट क्या करता है, ओन रिसिप्ट ऑफ एम्प्लॉय रिक्विजिशन फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट्स, इट सर्चेज फॉर द रिक्वायर्ड स्किल एंड क्वालिफिकेशन। देखो बच्चे क्या होता है, आपकी कंपनी में कौन है, बहुत सारे क्या है डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। मान लो कंपनी है, कंपनी कौन सी लोगों बच्चे, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, कोई भी हो सकती है कंपनी। तो आपने डिपार्टमेंट बनाए, आपने कहा कि एचआर डिपार्टमेंट, ये वही है बच्चे पर्सनल डिपार्टमेंट एचआर वाली में। उसके बाद बच्चे एक होता है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होता है, होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। उसके बाद क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, बिल्कुल होता है जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होता है। क्या आपका कोई फिनांस डिपार्टमेंट भी होता है, हाँ जी होता है। क्या आपका कोई मार्केटिंग आ गया, प्रोडक्शन, फिनांस और कौन सा डिपार्टमेंट होता है बच्चे, मैं तो भूल गया यार, एचआर मार्केटिंग परचेज डिपार्टमेंट होता है आपका, आरएनडी होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं यार अलग अलग तरह के, ठीक है। तो एचआर क्या करेगा, एचआर देगा जी सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को एम्प्लॉयज, ठीक है। तो मान लो मार्केटिंग कहता है जी हमें चाहिए 5% सेल्स के लिए, मार्केटिंग वाले तो सेल्स करेंगे ना बच्चे। प्रोडक्शन वाले भी कहते हैं जी हमें 100 लेबर चाहिए। फिनांस वाले कहते हैं जी हमें भी 2% चाहिए फाइनेंस के लिए। परचेज वाले भी कहते हैं जी हमें 5% चाहिए सपोज, और आरएनडी वाले भी कहते हैं जी हमें भी 5% चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है बच्चे, वैसे जनरली डील कर रहा हूं। एक बात बताओ, मार्केटिंग के लिए आप कौन से बंदे चूज करोगे? जो मार्केटिंग है बच्चे नॉर्मली एमबीए इसके लिए चूज किए जाएंगे, क्योंकि उनको नॉलेज होती है मार्केट की। तो आप क्या कहोगे, हमें इस काम के लिए कौन से चाहिए, एमबीए चाहिए। कौन डिसाइड करेगा बच्चे, एचआर डिसाइड करेगा। मार्केटिंग वाले आपको बताएंगे कि हमें तो इतने बंदे चाहिए इस काम के लिए चाहिए, एचआर डिसाइड करेगा कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इनका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। हमने कहा एमबीए चाहिए सर, हमें कम से कम 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले। आप कोई भी जॉब वैकेंसी देखते हो उसमें लिखते नहीं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें लिखा होता है मिनिमम क्वालिफिकेशन एमबीए सीए डॉक्टरेट जो भी है, और उसके बाद फिर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 5 ईयर्स 10 ईयर्स 2 ईयर्स फ्रेशर, इस तरह से बात लिखी होती है, ठीक है जी। प्रोडक्शन कहते हैं 100 लेबरर्स चाहिए, अब इसके लिए लिख दो बच्चे एमबीए चाहिए, कोई एमबीए वाला होगा मेरे को आके मारेगा बच्चे को। तो लेबरर के लिए क्या चाहिए, कहते हैं जी देखो पढ़ा लिखा ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, एक्सपीरियंस तो उसको होना चाहिए 2 ईयर्स का कम से कम रेलिवेंट फील्ड में। अब मैं टेलर की बात करूं, क्या मैं ये कह दूं कि टेलर बीकॉम होना चाहिए? यार टेलर का बीकॉम से क्या लेना देना, तो टेलर तो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, लेकिन उसे 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फिर फिनेंस वाले, हमें 2 चाहिए बच्चे फिनेंस वाले, तो कौन चाहिएंगे, मैं सीए चाहिएंगे। क्या फिनेंस सीए से अच्छा कोई जानता है, नहीं, सीए के बराबर जानते हैं सीएफए वाले। मैं ये नहीं कहता बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा कोई कुछ नहीं जानता, हम कौन है, सबसे ऊपर है हम। तो सीए या फिर सीएफए चाहिएंगे बच्चे 2 फिनेंस के लिए, ठीक है। अब क्या मैं यहाँ पर एमबीए लगा दूँ, एमबीए लगा तो दूँ बच्चे, वो क्या करेंगे, वो तो बेचना शुरू कर देंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो सीए या सीएफए चाहिएंगे बच्चे हमें फिनेंस के लिए। उसके बाद चाहिए हमें बंदे परचेज के लिए। परचेज के लिए क्या कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना जरूरी है, मतलब कोई डिग्री होना जरूरी है हमारे पास फाइनेंस के लिए? आपके पास सीए की डिग्री होना जरूरी है बच्चे, ठीक है। सीए की डिग्री है तभी आपको, आप कह सकते हो कि हाँ इस व्यक्ति को अच्छे से आता है। कोई सीए ऐसे जस्ट लाइक दैट नहीं बन जाता बच्चे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम ये नहीं कह सकते कि बाय लक सीए बन गया, कोई नहीं बनता बाय लक, वहम एक मन का। इतने 8-8 पेपर होते हैं बच्चे आपके,
ठीक है। एक और इंस्टीट्यूट तो खुद ऐसा काम करता है कि अगर आपके 39 मार्क्स है 40 नहीं करेगा, हाँ 40 है तो 39 करके आपका अटेम्प्ट जरूर लटका देगा वो। तो ये क्वालिफिकेशन जरूरी है, लेकिन क्या परचेज के लिए कोई क्वालिफिकेशन जरूरी है? नहीं, क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, लेकिन इस फील्ड में जिस चीज को हमें परचेज करवाना है उस फील्ड में उसका नॉलेज होना जरूरी है। तो हम क्या कहेंगे, हमें चाहिए सर 5 ईयर्स का रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद अच्छे अच्छे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैं कहता हूँ जी मुझे 5 BCom चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, मुझे 5 MCom चाहिए, या मुझे 5 CA चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। बच्चे लॉजिकल नहीं है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन करेगा आपका? रिसर्च एंड डेवलपमेंट बच्चे करेंगे या तो M.Tech वाले, या कौन करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट कौन होते हैं? B.Tech, M.Tech, MCA, यही होते हैं आपके साइंटिस्ट। तो मैं कहता हूँ सर मुझे चाहिए M.Tech वाले 5% रिसर्च के लिए, ठीक है। कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो हो सकता है हमें MBBS भी चाहिए होते हो इसके लिए। तो ये साइंस साइड के बंदे चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो ना तो ये HR डिसाइड करता है सर कि हमें किस तरह के बंदे चाहिएंगे। ये हमें रिक्वायरमेंट बताएंगे डिपार्टमेंट, और HR आपका डिसाइड करेगा कि हमें किस तरह के बंदे चाहिएंगे, और उसके लिए फिर ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपकी स्टार्ट करेंगे। अब आगे आ जाइए, तो सबसे पहले क्या होता है बच्चे, रिक्विजिशन मिलती है, जैसे मेडिकल रिक्विजिशन मिलती थी, अब कैसी मिलेगी बच्चे? एम्प्लॉय की रिक्विजिशन मिलेगी डिफरेंट डिपार्टमेंट से। इट एंश्योर दैट द पर्सन रिक्रूटेड प्रोसेस द रिक्विजाइट क्वालिफिकेशन, रिक्विजिट क्वालिफिकेशन मतलब उसके अंदर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कोई CA है, कोई MBA है, कोई MBBS है, M.Tech है, एंड स्किल्स रिक्वायर्ड। स्किल्स का मतलब एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उसको। अरेंज प्रॉपर ट्रेनिंग। अच्छा, क्या एम्प्लॉय को रिक्रूट करते ही उसे कह दोगे चल काम कर? आप CA बच्चे रिक्रूट होते हो, आपके सीनियर रिक्रूट होते हैं, क्या उनको रिक्रूट करते हैं नेक्स्ट डे बोल देते हैं कि काम करो? नहीं, उनको बच्चे ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर। हो सकता है कंपनी का कोई स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर हो, आप घर से थोड़ी ना सीख के जाओगे भाई। ठीक है, आपके पास टैली है, सैप है, ये तो चलो आप मार्केट से सीख सकते हो। मान लो कंपनी ने कोई खुद का टेलर मेड सॉफ्टवेयर ले रखा है, तो क्या आपको उस पर काम करना आता होगा? नहीं। अब आपके पास अवेलेबल ही नहीं है तो आप कैसे सीख सकते हो? तो कंपनी आपको कुछ टाइम ट्रेनिंग देती है उस चीज की कि देखिए सर आपको इस सॉफ्टवेयर पे इस तरह से काम करना है, ये कमांड होती है, इस तरह से वर्क होता है, इस तरह से रिपोर्ट जनरेट होती है। तो ट्रेनिंग भी कंडक्ट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद बच्चे वर्कशॉप्स भी होती है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए। ये वर्कशॉप्स क्या होती है? सेमिनार, अपने सेमिनार नहीं होते, वो वर्कशॉप ही तो होती है, और क्या होती है? आपको अपडेटेड नॉलेज देने के लिए इंस्टीट्यूट सेमिनार कंडक्ट करता है आपकी सिटी में। अब तो कोरोना की वजह से नहीं हो रहे, और कुछ लाइव वेबिनार्स हो रहे हैं सेमिनार की जगह। तो वो क्या है बच्चे, वो आपकी नॉलेज अपडेट करने के लिए। जैसे MSME भी है, संडे को एक MSME पे ICI ने एक सेमिनार कंडक्ट किया है। मैं कहूंगा बच्चों देखो, बहुत अच्छी चीज है वो। तो इस तरह से सेमिनार होते रहते हैं, आपकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए इंस्टीट्यूट आपके सेमिनार करता रहता है। तो उस सेमिनार की बात करते हैं। मेंटेन ऑल पर्सनल एंड जॉब रिलेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। अब आप जब कोई भी जॉब ज्वाइन करते हो, इवन आपने जब अपना ऑफिस ज्वाइन किया होगा बच्चे, तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको कहा नहीं होगा आधार कार्ड लेके आओ अपना, ठीक है, उस तरह पेन भी कार्ड भी मांग लिया हो, उसके बाद आपसे कोई रेफरेंस भी मांगी हो, ठीक है, आपकी मार्कशीट्स ली होंगी उसने, आपके एम्प्लॉयर ने, तो आपके सारे पर्सनल रिकॉर्ड और जॉब रिलेटेड रिकॉर्ड भी आपसे मांगे जाते हैं, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन है, CA है तो CA की डिग्री दिखाइए, MBA है तो MBA की डिग्री दिखाइए, B.Tech को B.Tech की डिग्री दिखाइए, आपने कहीं काम किया है, हमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो पीछे की कंपनी का, जब आप किसी कंपनी में काम करते हो और उसके बाद उसे छोड़ते हो, तो आपको एक्सपीरियंस लिख के देती है कंपनी, तो दिखाइए कहाँ लिख के दिया है कंपनी ने, ठीक है। हालांकि बहुत सारे एक्सपीरियंस फर्जी भी होते हैं बच्चे, ठीक है, तो उन चीज़ों पे मत जाइएगा। उसके बाद क्या होता है, इवेल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। परफॉर्मेंस का इवेल्यूएशन होता है बच्चे की एनुअल अप्रेजल। एनुअल अप्रेजल से आप वाकिफ हो, अगर आप ऑफिस जाते हो तो। नहीं जाते तो मैं बता देता हूँ बच्चे, साल के लास्ट में हमें पूरे साल एक चीज़, प्राइवेट एम्प्लॉयज होते हैं जो पूरे साल हमें एक चीज़ बताई जाती है, आपको एनुअल अप्रेजल मिलेगा। अप्रेजल क्या होता है बच्चे, एक इंक्रीमेंट की तरह सोच सकते हो, इंक्रीमेंट की तरह होता है कि आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। और जब फाइनली अप्रैल आती है और इंक्रीमेंट मिलते हैं बच्चे, तो जी करता है चार वालों की, है ना, पिटाई करते हैं पकड़ के इस तरह के इंक्रीमेंट देते हैं वो। तो ये होता है बच्चे इवेल्युएशन, आपकी जॉब का इवेल्युएशन होता है, आप कितनी डेडिकेशन से काम कर रहे हो, ठीक है। तो इस साल तो खैर इंक्रीमेंट किसी को मिला ही नहीं होगा, इवेल्युएशन आपका अप्रेजल इस साल तो किसी को मिला भी नहीं होगा। तो ये था बच्चे पर्सनल डिपार्टमेंट का काम। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट। अब ये क्या करता है, ये कहता है जी प्रिपेयर प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन फॉर ईच जॉब। ये कहता है कि काम को किस तरह करना है उसका प्लानिंग करेंगे इसकी। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देता है जी, गाइडेंस देता है टू एम्प्लॉयज। उसके बाद सुपरवाइज करता है प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को, कंडक्ट टाइम एंड मोशन स्टडीज, अंडरटेक जॉब एनालिसिस, इस तरह के ये काम करता है। ये टाइम एंड मोशन स्टडीज क्या होता है,
कि एक एम्प्लॉई एक यूनिट को एक कोई चीज़ को बनाने के लिए कितना टाइम ले रहा है। मोशन का मतलब होता है कि आप एक काम को करने के लिए कितनी एक्टिविटी कर रहे हो। जैसे आपने प्लस टू में बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा कि टेलर ही थे शायद वो जो देख रहे थे कि एक एम्प्लॉई है वो एक ईंट को रखने के लिए, मतलब एक दीवार कोई बना रहा है मजदूर, वो एक ईंट को रखने के लिए उसे सही सेट करने के लिए कितनी एक्टिविटी करता है, तो उसे बोलते हैं मोशन स्टडी। तो उसने बताया था कि वो 17 एक्टिविटीज़ करता है, 17 एक्टिविटीज़ करता है। बाद में उसने जब उसको मोटिवेट किया, उसको सुपरवाइज किया, तो वो जो उसकी एक्टिविटीज़ थी वो डिक्रीज होके 5 to 6 रह गई थी। इस तरह की बातें पढ़ी होगी शायद आपने, तो उसको बोलते हैं मोशन स्टडी। ठीक है, आपकी एक्टिविटी की स्टडी, टाइम की स्टडी। ठीक है, उसके बाद आता है जी जॉब की एनालिसिस करना कि क्या वो सही है, क्या वो सही ढंग से कर रहा है, क्या उसे कोई और फैसिलिटी चाहिए, उसे बेटर ढंग से कैसे कर सकता है। उसके आता है कंडक्ट जॉब इवेल्युएशन। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। फिर आता है बच्चे टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। ये क्या करता है, ये होता है जी सुपरवाइजर आपका। ये देखता है कि कौन व्यक्ति कब आ रहा है, कोई लेबरर कब आ रहा है, कब जा रहा है, ठीक है, कितनी देर वो काम कर रहा है, कितनी देर खाली बैठा है, पूरी डिटेल रखता है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, आपका सुपरवाइजर होता है ये। इसको इसी चीज़ के पैसे मिलते हैं सर। तो कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ अटेंडेंस रिकॉर्ड टाइम कीपिंग एसेट्रा। तो ये मेंटेनेंस कब आता है, कब जाता है, छुट्टी है तो क्यों है, ठीक है, उस चीज़ की। टाइम स्पेंड बाय एन एम्प्लॉय ऑन वेरियस जॉब आई ई टाइम बुकिंग एसेट्रा। तो ये सारे काम इस तरह के कौन करता है बच्चे, आपका टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट करता है। पेरोल डिपार्टमेंट ये क्या करता है बच्चे, आपकी सैलरी बनाता है और आपको सैलरी की पेमेंट करता है, आपको इंसेंटिव की पेमेंट करता है, आपके बोनस की कैलकुलेशन करता है, ये सारे काम ये करता है। पेरोल ऑफ द एम्प्लॉयज डिस्ट्रीब्यूट सैलरी एंड वेजेस पेमेंट। और एक आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ये क्या करता है बच्चे, ये तो सारे काम करता है कॉस्ट से रिलेटेड। तो एक्यूमुलेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज कॉस्ट, एनालिसिस एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू वेरियस कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ये काम ये डिपार्टमेंट करता है बच्चे। आज क्लास बच्चे 1 घंटे की हो चुकी है, हम इतना ही करेंगे। बिल्कुल थियोरिटिकल बातें थी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग थी आई थिंक, और कुछ बोरिंग बातों को मैंने कोशिश की है बच्चे की आपको इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करूं। आगे भी बच्चे चैप्टर में थोड़ी सी ज़्यादा है, थ्योरी का पार्ट थोड़ा ज़्यादा है। मैं कहूं कि थ्योरी एग्जाम में आएगी इस चैप्टर में से, तो हो सकता है आ जाए बच्चे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप थ्योरी नहीं करेंगे तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे बच्चे। एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा उठपटांग सा, कोई अजीब सी वो टर्म यूज़ कर देंगे, आपने वो टर्म पढ़ी नहीं थ्योरी में, तो बच्चे आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मैं कोशिश करूँगा बच्चे आपको बोर ना होने दूँ थ्योरी में, तो इसके ऊपर 1-2 क्लास थ्योरी में और लगेगी, बीच में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते रहेंगे। आज की क्लास आपको रिवाइज करनी है और कल फिर से हम यही पुराना चैप्टर हमारा लेबर लेके प्रेजेंट होंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।